दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल डीएस चैनल पर। चिंग सुपर एफटी और डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स में समानता भी है, मतलब सिमिलरिटी भी है, और डिफरेंस भी यानी अंतर भी है। इसी पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आया था दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं। जो एक महत्वपूर्ण सवाल, चिंग सुपर एफटी और डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स में सिमिलरिटी और डिफरेंस संबंधित आया था दोस्तों। इस वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको वो सवाल भी बताएंगे और उस पर हम कुल दो पॉइंट्स में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो उसका जवाब भी क्लियर हो जाएगा आप सभी को। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा आप। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले और आसानी से उपलब्ध हो सके। आइए चलते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आ गए हैं हम इस वीडियो के अगले हिस्से में। तो जो सिमिलरिटी है यानी समानता है दोस्तों, पॉइंट नंबर वन से आप समझिए, नो मंथली रिचार्ज। जी हाँ दोस्तों, जिंग सुपर एफटी डिश टीवी और डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स को आपको महीने यानी मंथली रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जिंग सुपर एफटी डिश टीवी सेटअप बॉक्स ने आपने कोई पेड चैनल ले रखा है तो उसको आपको मंथली रिचार्ज करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर पेड चैनल की प्राइस दे करके। बस इतना ही है दोस्तों, जिंग सुपर एफटी डिश टीवी सेटअप बॉक्स का मंथली प्राइस उतना ही होगा जितना कि उस पेड चैनल का सब्सक्रिप्शन चार्ज होगा, या फिर दो पेड चैनल आप लेंगे तो जो दो पेड चैनल का सब्सक्रिप्शन चार्ज होगा। और चार साल या दो साल वाला वैलिडिटी वाला सेटअप बॉक्स का प्लान आपने रखा है जिंग सुपर एफटी डिश टीवी का, तो फिर आपको चार साल या दो साल बाद रिन्यू करने के लिए जो प्राइस देना पड़ेगा। तो मंथली रिचार्ज तो नहीं है दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया। तो ये एक सिमिलरिटी होगी डीडी फ्रीडिस और जिंग सुपर एफटी डिश टीवी सेटअप बॉक्स में। अब आते हैं दोस्तों डिफरेंस क्या है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है और जो वाकई में जिंग सुपर एफटी डिश टीवी सेटअप बॉक्स को डीडी फ्रीडिस सेटअप बॉक्स से अलग बनाता है, यूं कहें बेहतर बनाता है। और परचेज करने का भी ऑप्शन, काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स परचेज करें या जिंग सुपर एफटी डिश टीवी सेटअप बॉक्स, तो सेकंड ऑप्शन दोस्तों जो है उससे आप समझ जाएंगे कि आपको जिंग सुपर एफटी डिश टीवी सेटअप बॉक्स ही परचेज करना चाहिए। प्रेफरेंस में यही रखिए, बाकी आप चाहें तो डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स परचेज कर सकते हैं। पेड चैनल्स सब्सक्राइबिंग जिंग सुपर एफटी सेटअप बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, जो पेड चैनल्स हैं, सिंगल पेड चैनल, डबल पेड चैनल, दो से अधिक, चार, पाँच, जितने भी पेड चैनल आप सब्सक्राइब करना चाहें आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। सिंगल पेड चैनल भी है दोस्तों, यानी केवल एक ही पेड चैनल आप सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, और 24 घंटे बाद, दो दिन बाद आप जब चाहें उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली के हिसाब से प्राइस डिडक्ट होता है, तो ये तो और अच्छी बात हो जाती है दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों सिमिलरिटी और डिफरेंस आपको अब समझ में आ गया होगा जिंग सुपर एफटी डिश टीवी और डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स में। डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स में दोस्तों कोई भी पेड चैनल या फिर कोई चैनल आप अपने से ऐड नहीं कर सकते, प्रसार भारती की तरफ से ही ऐड किया जाएगा जब ऐड किया जाएगा। तो एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण और आया था दोस्तों कि जब एफटीए चैनल से मिल रहे हैं दोनों में, तो हम क्यों परचेज करें जिंग सुपर एफटीए डिश टीवी सेटअप बॉक्स, डीडी फ्रीडी क्यों ना करें। दोस्तों डीडी फ्रीडी सेटअप बॉक्स पर केवल वही चैनल्स हैं जो प्रसार भारती की तरफ से ऑनलाइन ऑक्शन के माध्यम से आते हैं, जबकि जिंग सुपर एफटी डिश टीवी सेटअप बॉक्स पर कई सारे पेड चैनल ऐसे भी हैं जो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के वो उपलब्ध हो जाते हैं, केवल एफटी चैनल से नहीं रहते हैं। तो समझने वाली बात यही है। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी।